वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसी है हमारी पब्लिक? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आपका भी मस्ती है। तो भाई साहब आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और इधर हमारे भैया हैं। भैया मतलब क्या नाम तुम ना असली? रहमान मीर साहब हैं। तो ये हमारे लियाकत साहब, प्यार से हम डॉक्टर बोलते हैं इनको, इलाज वगैरह भी अच्छा करते हैं। तो भाई आज करके ले में, तो मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया नहीं क्योंकि मैंने एक दो पार्ट पहले से बना के रखे हुए हैं, तो फिर सोचा कि अपने डॉक्टर साहब आए तो चलो शूट कर लेते हैं। तो बाकी ले में अभी गए हुए थे हम नीचे सर्विस स्टेशन पे, गाड़ी वगैरह वाश कराई, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो ब्रेकफास्ट भी किया, लेट ही उठे थे क्योंकि आज रेस्ट ही करनी थी भाई। अब कल देखेंगे गाड़ी भरने का क्या सीन रहेगा, क्या नहीं, शाम को या कल देखते हैं। तो बाकी हमारे स्टैंड अभी अलग हो चुके हैं यहाँ पे लद्दाख का, यहाँ पे इस साइड पे जम्मू के टेम्पू वगैरह, तो मनाली के, तो सबसे एंड पे आ गया अपना स्टैंड वो ऊपर सामने। तो चेक करो अभी कितने ज़्यादा टेम्पू लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सभी जम्मू डोडा मनाली हर जगह के लिए यहीं से निकलते हैं। अभी एक ही स्टैंड है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जगह को बम गार्ड। तो हमारा भी ऊपर जहाँ पे होगा वो भी बताया जाएगा आपको। अभी ये गाड़ी डोडा लोड होके जा रही है क्योंकि इनकी अपनी सवारी होती है डोडा की। तो बाकी हमारे इम्तियाज़ साहब का टेम्पू भी वो लगा है, इम्तियाज़ साहब कहीं घूमने के लिए गए, ये आ गया इम्तियाज़ साहब का टेम्पू। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ अपने स्टैंड की तरफ, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज ये चेक करो, इस बंदे का वेट चेक करो, ये आ गए हमारे भाजी, पंजाबी भाजी। भाजी किदा, तुसी वधिया आ गए? ये हमारा खासम खास बंदा कालू साहब, ये आ गए हमारे मोटा साहब। भाई जन बोलिए, आप बताइए कि आपका वेट वगैरह कितना है? भाई बता दो ना यार, शर्मा रहे क्यों? भाई ये बहुत अपना खास बंदा है यार, हमने काफ़ी कोशिश की इनको व्लॉग में लाने के लिए लेकिन ये काफ़ी अच्छे से हमें मिल नहीं रहे थे, तो आज ये हमें मिले हैं। ये देखो हंस रहे कितने, चेक करो भाई को, भाई सबसे ज़्यादा इनका वेट है इस लद्दाख पूरे में, और गबरू जवान है हमारा भाई। बोलो कितने दिन हो गए आपको यहाँ खड़े? भाई जब ये ट्रैक्टर चलाते थे ना, इनने मेरी 5505 गाड़ी ठोक दी थी, तो अभी ये इधर लद्दाख में आके लोगों की गाड़ियां ठोक रहे हैं। अब ये पायलट किंग है हमारे। तो चलो मिलते हैं आपसे बाद में। भाई ये हमारा एक भाई है, 1.5 महीने से लद्दाख में खड़ा हुआ है। 1.5 महीने से मैं इसका सिर्फ स्टेटस ही देख रहा हूँ, मैंने सोचा 10-15 चक्कर लगा लिए होंगे इसने, लेकिन आज इसने आके मुझे बोला है कि मुझे 1.5 महीना हो गया यहीं पे। तो भाई देखो लद्दाख में कितना बुरा हाल है, ड्राइवर तो सभी आते हैं लेकिन भाई यहाँ पे ना सोच समझ के आओ, अभी फिलहाल सवारी का नाम नमूना नहीं है। तो चेक कर लो कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी खड़ी है सामने, ये 1.5 महीना हो गया यहीं पर खड़ी है, अभी तक सवारी का कुछ भी अता पता ही नहीं है। भाई इस साल दिवाली भी लेट है नवंबर में, पिछले साल अक्टूबर में थी, इसलिए सवारी ज़्यादा निकल रही थी, लेकिन इस बार सवारी का नाम नहीं है। भाई पीछे बैक साइड में भी काफ़ी ज़्यादा टेम्पू लगे हैं, तो ये खड़े हैं अपने भाई सभी, हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, धूप लगा रहे हैं। भाई अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं खाना खाने के लिए, जा रहे हैं हम नीचे, यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है क्योंकि तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है यहाँ से खाना खाने के लिए। भाई वैष्णो ढाबा है वहाँ पे, तो वहीं पे जाके खाना वगैरह खाएंगे। तो अभी हमारे डॉक्टर साहब चला रहे गाड़ी, हम दो पीछे रेस्ट कर रहे हैं, मेहमान हैं हम इनके, ये करेंगे हमारी सेवा। बाकी ये हमारा स्टैंड है बॉम गार्ड में, जहाँ पे बंदा बंदे की ज़ात नहीं है। तो बाकी ये चारों तरफ से हम पहाड़ियों से गिरे हुए हैं, जहाँ देखो सुबह उठ के तो पहाड़ी दिखती है भाई, कोई पेड़ पौधे कोई कुछ नहीं। वो लगी हमारे डॉक्टर साहब की इनोवा, ये चेक करो हमारा स्टैंड, ये यहाँ से मनाली जम्मू दो जगहों के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं। तो चलो चलते हैं, हम खाना वगैरह खा लेते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, निकल चुके हैं अपने स्टैंड से, तो चेक करो ये मनाली ले रोड है जिससे अभी हम जा रहे हैं, मतलब जो राइट साइड से रोड जा रही है वो सीधा मनाली की तरफ जा रही है, और जहाँ से हम जा रहे हैं
ये सीधा जम्मू जाके आगे टैच हो जाती है। तो चेक करना अभी हमारे साथ कौन कौन बैठा है। क्या करो गाइस, हमारे अलियास साहब, काजमी साहब, मीर साहब, ये कौन हो आप, कहाँ से आ गए हो, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। ये हमारे डॉक्टर साहब अभी हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो चलो बताते हैं बाकी आपको, खाना वाना खा के उसके बाद में व्यू वगैरह चेक कराते हैं आपको। ये आ गया टाइगर चौक, इससे आगे आएगा फिर घोड़ा चौक, घोड़ो चौक आवे और अपनो चौक है ये मारो, मारा अपना गुजर भाई भी तो बड़ा ही यो पढ़ो तम लद्दाखी भाषा में लिखे हुई है कुछ भैया। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ढाबे के पास, खाना वगैरह खाते हैं। डॉक्टर साहब को भी भूख लगी है, मेरे को भी लगी है क्योंकि सुबह मैंने एक ही परौंठा खाया था आज। मैंने दो बस 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 डॉक्टर साहब ये स्कॉर्पियो के साथ में लगा दो आप। अच्छा ठीक है, जहाँ डॉक्टर साहब आप बोलोगे वहीं पे चलो। नया ढाबा है कोई? ओके नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब ने ढाबा चेंज किया है, खाना वगैरह खा लिया हमने, पेट भर के आए, मैंने भी 3-4 फुलके खाए क्योंकि भूख लगी हुई थी काफी ज्यादा। रहमान ने चावल भी खाए 2 प्लेटें और 7 फुलके खाए, और डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या क्या खाया वो हमने गिना नहीं। तो हमारे कल्यास भाई चेक करो, डॉक्टर साहब चला रहे हैं गाड़ी, ड्राइव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रेस्ट। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, आपको बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे नहीं, तो आगे का भी आपको चेक कराते हैं। जम्मू रोड है ये भाई, हमारी जम्मू रोड, हम तो अभी जा नहीं रहे, हम यहाँ से आगे यू टर्न लेंगे। ये हमारा डैश कैमरा क्यों नहीं चल रहा है, तो अभी चला दिया हमने डैश कैमरा। अभी बाकी का इस व्यू चेक करो यार, मस्त व्यू आ रहा है। एक मिनट थोड़ा जे व्यू लेन दो, लद्दाख की पहाड़ियां ना। ये चेक करो हमारे इश्तियाक भाई की गाड़ी, टार्जन कार, टार्जन द वंडर कार। ये चेक करो कौन है, क्रैक इन देना, ओ क्रैक इन देना। सो गाइस इस बंदे ने अभी तक किराया नहीं दिया है मेरा, हम अभी लद्दाख में है, इस रहा ही तो बोल रहा हूँ, नीचे से कितने दिनों कितने में आए थे आप, कितना भाड़ा लाया था नीचे से? मैंने भाड़ा तो बहुत ज्यादा लाया है, जो कभी किसी ने लाया ही नहीं, इसी दिन के बिना भी नहीं लाया। कितना नीचे? तो मैंने 35,000 लाया था, वो 15,000 रुपए में समझिए। ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, इससे ऊपर आप मानो ना। किल चमहाली फोटो कराने।